हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस वाई दिवाकर। अतः आपने ज्योग्राफिकल थॉट यानी भौगोलिक विचारधारा के बारे में देखा, उसके ऑलमोस्ट हमने 42 क्वेश्चन देख लिए हैं और एक दो प्रश्न में जो कहीं कहीं जो है गलती से ऑप्शन को दूसरा बता दिया गया, ठीक कुछ कमियां रह गई। तो यदि आपको कहीं भी कुछ भी लगे तो आप कमेंट में बताइएगा, साथ ही साथ कमेंट में मैं उसका जो राइट आंसर होगा वो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा। यदि आपको कोई दिक्कत होगी या इसमें मैं कोई गलती से प्रश्न बता दिया हूँ तो उसका भी आप कमेंट एक बार देख लीजिएगा, तो कमेंट में आपको वहाँ पे मैं पिन कर दूँगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 43 क्वेश्चन है, तो इसमें है कि रोमन्स, एक्चुअली ये सभी जो प्रश्न दिए गए हैं तो इसमें बुक्स वगैरह में कई गलतियां भी दी गई हैं, तो इसको थोड़ा सा उतना टाइम उधर नहीं मिल पा रहा था, तो आज हमने कोशिश किया है कि इसको काफ़ी ज़्यादा क्लियर करने का। तो 43 जो प्रश्न है इसमें दिया कि रोमन्स का मुख्य योगदान ऐतिहासिक या गणितीय भूगोल में था, यानी कि जो रोमन ज्योग्राफर थे तो उनका मेन जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी और आपका जो मैथमेटिकल ज्योग्राफी रही है उसमें योगदान था। ठीक, साथ ही साथ इरेटोस्थनीस द्वारा अज्ञात देश की संकल्पना भी प्रतिपादित की गई थी। आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक टॉलमी द्वारा लिखी गई थी, तो ये आपका टॉलमी की बुक नहीं है, आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी ये आपका पी जेम्स की बुक है। ठीक, 1943 में उन्होंने लिखा था, पी जेम्स की ये बुक है। ठीक, और आप एन आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी सर्च करेंगे यदि आप गूगल वगैरह पे, तो एक और मिलेंगे डेनिवर, ठीक राइटर, लेकिन आपका जो राइट आंसर है वो पी जेम्स है, जो डेनिवर महोदय हैं ये इनकी जो बुक है ये अभी नई लिखी गई, यानी कि ऑलमोस्ट ये 2009 के आसपास के राइटर हैं ये। ठीक, और विश्व मानचित्र बनाने हेतु टॉलमी ने खगोली सिद्धांतों का प्रयोग किया, ये भी राइट है। तो यहाँ पे देखिए कि पैरा की कौन कौन से सही हैं, तो रोमन्स, इरेटोस्थनीज और टॉलमी का ये राइट है। आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी पी जेम्स की है। द ज्योग्राफी ऑफ पुरानाज, तो ज्योग्राफी ऑफ पुरानाज एस एम अली महोदय की है। ठीक, यहाँ पे देखिए टी एम रिजवी, टी रिजवी दिया था, तो यहाँ पे आपका एस एम अली की ये बुक है। नेक्स्ट है, कुछ उपागम दिए गए हैं और उससे संबंधित प्रमुख विद्वान हैं। ठीक, व्यवहारवाद को तो एम डब्ल्यू जो किर्क महोदय हैं। ठीक, साथ ही साथ जो मानववाद है तो इसका टुआन है। मात्रात्मक क्रांति तो आई बर्टन है, और मूलजवाद के जो संबंधित हैं ये आपका आर्य पीठ है, आरजे पीठ है, राइट। नेक्स्ट आते हैं, 46वां प्रश्न है आपके सामने, इसमें दिया है कि ये पूरा जो मैप बनाया गया है ये प्राचीन भारतीय भूगोल वेताओं के अनुसार बना है। अब इसमें पूछ रहा है कि जो चिन्हित किया गया पार्ट है तो ये क्या क्या प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ऑप्शन भी आपके पास है और राइट आंसर भी, तो यहाँ इसके देखिए प्लास्का, कुश, सालमली तीसरा ऑप्शन, और क्रौंच द्वीप, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग आंसर ही देख रहे हैं। तो ये आपका जो शुमालिया है इसका सालमली, ठीक, और यहाँ पे आप देख रहे हैं अरब प्रायद्वीप के आसपास का जो भाग है इसे क्या कहा गया, कुश। ठीक, क्रौंच द्वीप ये भूमध्य सागर के ऊपर आप देख रहे हैं स्पेन के आसपास का एरिया, तो ये आपका क्रौंच द्वीप चौथा नंबर है, और जो ये आपका है भूमध्य सागर का तटीय अफ्रीका का उत्तरी पार्ट, ठीक मिस्र वगैरह, तो ये आपका प्लास्का का नाम इन्होंने दिया था, जो प्राचीन भारतीय भूगोल वेत्ता रहे हैं। आगे है, इतिहास भूगोल से काल एवं स्थान के विचार से भिन्न है। इतिहास एक दूसरे के बाद होने वाली परिघटनाओं की रपट है एवं समय से संबंधित है। भूगोल दिक स्थान में परस्पर होने वाली घटनाओं की रपट है, यानी रिपोर्ट है। यह वक्तव्य किसका है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका इमैनुअल कांट महोदय हैं। ठीक, सामान्य भूगोल और विशेष भूगोल का जो द्विविभाजन किया था, यानी द्वैतवाद का जनक जो है आपका वर्नियस महोदय को माना जाता है, इन्होंने ही इसमें द्विविभाजन किया था। ठीक, नेक्स्ट आते हैं कि निम्नलिखित में से भूगोल के किस एक उपागम ने अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति के साकल्यवादी दृष्टिकोण पर बल दिया। तो आपका जो उपागम है, अप्रोच है, मूलजवादी अप्रोच है, जिसमें अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति के साकल्यवादी दृष्टिकोण पर बल दिया गया।
यहाँ पे नीचे एक ब्लॉग दिया गया है और ब्लॉग के बारे में पूछ रहा है कि यह किसके द्वारा बनाया गया है। ठीक, तो ब्लॉग में आप देख सकते हैं आगम अवगम और पर्यावरणीय अवगम और व्यवहार के मॉडल का यह प्रस्तुतिकरण किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मूल्य तंत्र, अवगम निष्पंदन, अवगम ग्राही सूचना। ठीक, यानी कि सूचना जो है ये आपका वस्तु विश्व, उसके बाद इसका व्यवहार में यूज होता है, साथ ही साथ इसके बाद यहाँ पे जो आता है आपका सूचना, यहाँ पे अवगम ग्राही, अवगम निष्पंदक, मूल्य तंत्र में, फिर उसके बाद प्रतिबिंब में, फिर आपका निर्णय लिया जाता है। निर्णय आपका वस्तु विश्व के संदर्भ में हो या फिर व्यवहार के संदर्भ में हो। तो डाउन महोदय ने यह संकल्पना दी थी या डायग्राम बनाया था। ठीक, नेक्स्ट है भूगोल में मात्रात्मक क्रांति का उद्देश्य क्या था। तो आप जानते हैं कि मात्रात्मक क्रांति का उद्देश्य भूगोल में गणितीय और वैज्ञानिक विचारधारा को थोपना था या उसमें सम्मिलित करना था। ठीक, भूगोल को भूविज्ञान बनाना था, द्वीप स्थान की ज्यामिति बनाना था, प्रादेशिक नियमों का इसमें विकास करना इसका उद्देश्य नहीं था, सार्वत्रिक नियम को विकसित करना था इसका उद्देश्य। ठीक, तो एक दो और चार इसमें राइट हैं। नेक्स्ट है भूगोल वेत्ता और उनका संबंधित किस देश से हैं ये, तो हिटनर आपका जर्मनी से संबंधित है। ठीक, डिमांजिया फ्रांस से हैं, मैकेंडर आप जानते हैं ब्रिटेन से, वर्ग महोदय रसिया से हैं। प्रकृति एवं मानव के मध्य संबंधों को समझाते हुए ब्लांस ने फ्रांस की जिस प्रादेशिक संकल्पना की परंपरा का उदाहरण दिया उस परंपरा को क्या कहा जाता है। तो उस परंपरा को कंपेच, वास्तविक प्रदेश, प्रकार्यात्मक प्रदेश या पेच। तो पेच की संकल्पना जो है प्रादेशिक संकल्पना से संबंधित थी जिसे ब्लांस ने दिया था। एंथ्रोपोजियोग्राफी शब्द रेडजिल ने गढ़ा और उन्हें इसका प्रयोग कहाँ पर किया या किस लिए किया, तो इन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी के शब्द से ही स्पष्ट है। ठीक, मानव और प्रकृति के अनुरूप अन्योन संबंध के अध्ययन के लिए इन्होंने किया था मानव भूगोल का। नेक्स्ट है परिभाषिक शब्द मॉडल और उसके राइटर कौन है, तो सन नगर की अवधारणा कन्जर्वेशन की पैट्रिक एडीज महोदय ने दी। ठीक, नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण हैरिस और उलमैन ने किया, अधिवासों का पदानुक्रमिक वर्गीकरण ये क्रिस्टालर का है और परिनगर की संकल्पना वॉन क्लिफ की है, ध्यान रखिएगा इसको, कहीं कहीं आपका एक एक पॉइंट करके ये दे दे के पूछ लेता है। कोल्बी की परिकल्पना एक गतिशील विवेचना प्रस्तुत करती है किसके लिए, तो नगरीय विकास के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। कोल्बी किससे संबंधित है, तो नगरीय विकास की परिकल्पना जो एक गतिशील विवेचना प्रस्तुत करती है। नीचे एक मानचित्र, एक फिगर बनाया गया है मानचित्र वाला, इसको किसने बनाया, तो ये अरबों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भूगोल का प्रारंभिक जीव वितरण विज्ञान के रूप में किसने दिया, तो ये हम्बोल्ट महोदय हैं। रेडजिल का कार्य आधारित था किस संकल्पना पे, कि रेडजिल का जो कार्य था वह किस संकल्पना पर आधारित था, तो यहाँ पे आपका भौतिक पर्यावरण में मानव क्रियाओं को नियंत्रित किया, रेडजिल का ये कार्य से संबंधित था। हटिंगटन किस लिए जाने जाते हैं, तो मानव जीवन पर जलवायु के प्रभावों के लिए ये जाने जाते हैं, इसी का वर्णन इन्होंने अपनी कृतियों में किया है। ठीक, तो इस वीडियो में 60 प्रश्न हम लोगों ने देखा, ये तीसरा वीडियो है जो आपका ज्योग्राफिकल थाट के MCQ का, ये आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप UGC नेट देने जा रहे हैं, TGT PGT का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, Grade 1 या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको यहाँ से निश्चित तौर पे मिलेगा। तो यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।